राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में बिल्डर ने आत्महत्या कर ली। बिल्डर का शव निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे मिला है। बिल्डर के पास एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के लिए साउथ अफ्रीका के बड़े बिजनेसमैन गुप्ता बंधुओं को जिम्मेदार ठहराया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून SSP अजय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। SSP अजय सिंह ने बताया कि अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की गिरफ्तारी धारा 306 IPC के तहत हुई। बता दें कि सतेंद्र सिंह साहनी देहरादून के नामी बिल्डर थे। साहनी बिल्डर्स के नाम से उनकी कंपनी ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। सूत्रों के अनुसार इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि मृतक बिल्डर काफी दिनों से धमकी के कारण डिप्रेशन में चल रहा था और उसका कई व्यापारियों से लेन देन का विवाद भी था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज प्रातः एक व्यक्ति द्वारा जो है सुसाइड करने की सूचना या बिल्डिंग से कूदने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल मौके पर गया था, जिनकी पहचान श्री सतेंद्र साहनी के रूप में हुई थी। जब उनके परिजन और बेटे द्वारा बताया गया कि लगातार उनके द्वारा जो है उनको लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था, उनके पिताजी का और कंपनी में पार्टनरशिप को लेकर फायदे को लेकर लगातार उनको धमकाया जा रहा था, और इस संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, जिसकी जांच अभी SP City द्वारा की जा रही थी। और उनके बेटे द्वारा ये भी बताया गया कि पूर्व में भी कुछ दिन पूर्व उनके विरुद्ध झूठी शिकायतें करके उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि अपनी कंपनीज के जो शेयर या पार्टनरशिप उसमें बढ़ा ली जाए, तो कहीं ना कहीं जो अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर और उनसे पार्टनरशिप में ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए तरह तरह की जो उन पर दबाव बनाया जा रहा था उसको लेकर उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई। इस बाबत एक प्रार्थना पत्र आज थाना राजपुर पर दिया गया, जिस पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था धारा 306 IPC में। प्राथमिक रूप से साक्ष्यों के आधार पर जो उनके दोस्त मित्र हैं, परिवारजनों के बयान और जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ उसके अवलोकन और उसके आधार पर जो है प्राथमिक जो साक्ष्य है उस साक्ष्यों के आधार पर अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की गिरफ्तारी की गई है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में अन्य कोई प्रकरण सामने आता है, अन्य भी साक्ष्य सामने आते हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा और कल अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। देखिए, अभी आज जो है थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई थी कि अमित व्यक्ति के द्वारा एक बिल्डिंग से जो है छलांग लगा दी गई है, तो सूचना पुलिस मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुँच कर जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के बाद पता चला कि उनका नाम सतेंद्र साहनी है, जो कि रेसकोर्स के रहने वाले हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था और आगे की जानकारी जो उसमें की जा रही है उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, और जैसे ही आगे कोई तहरीर आएगी उसे जानकारी की जाएगी और तदनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई तत्काल जो है अमल में लाई जाएगी।